डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर मौजूद रेलवे टिकट काउंटर से मंगलवार को एक रेल टिकट दलाल को पकड़ा गया। उसके पास से दो टिकट बरामद किए गए। पकड़े गए आरोपी युवक को आरपीएफ थाना मोतीबाग के सुपुर्द किया गया। उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया और जांच जारी है। बताया गया कि एयरपोर्ट पर आरपीएफ तैनात न होने के चलते यहाँ से रेल टिकट की कालाबाजारी को लेकर गुप्त सूचना मिली थी। इसे लेकर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे सुरक्षा बल की क्राइम इंटेलिजेंस ब्रांच की टीम एयरपोर्ट पहुंची और युवक को पकड़ लिया। पकड़ाया गया युवक इतवारी निवासी बताया गया। रेल टिकट के अवैध कारोबार को लेकर उनसे पूछताछ जारी है। एक साल की शुरुआत से ही दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के सुरक्षा आयुक्त दीप चंद्र आर्य के मार्गदर्शन में अवैध टिकट दलाली को लेकर विशेष टिकट जांच व धरपकड़ अभियान जारी है। इस माह में अब तक कुल 6 अवैध टिकट दलालों को पकड़ा गया। इनके पास से 1,07,687 रुपए कीमत की टिकटें बरामद की गई। इसके अलावा अवैध टिकट को बनाने में इस्तेमाल किए गए कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप, मोबाइल आदि भी जब्त किए गए। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के आरपीएफ सुरक्षा आयुक्त दीप चंद्र आर्य ने यात्रियों से अपील की है रेल टिकटों के अवैध कारोबार व अन्य संबंधित गैरकानूनी गतिविधि के बारे में नजदीकी रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट को सूचित कर सहयोग करें। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर। आंखों की संपूर्ण देखभाल के लिए मध्य भारत का जाना माना नाम माधव नेत्रालय। यहां आंखों की पूरी तरीके की जांच के साथ सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। मोतिया बिंदु, काज बिंदु, रेटिना, साथ ही कॉर्निया के उपचार भी होते हैं। तिरछेपन और युवाओं में चश्मा हटाने का ऑपरेशन भी आधुनिक लेजर तरीके से होता है। आंखों की सभी समस्याओं व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें माधव नेत्रालय, साई मंदिर के पास, गजानन नगर टी पॉइंट, अजनी, नागपुर। डायल करें 6785200 या माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर, वासुदेव नगर मेट्रो स्टेशन के पास, हिंगना टी पॉइंट, नागपुर। डायल करें 3502300।